हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। और देखिए, अभी मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जा रही हूँ वीडियो में आप लोगों को आगे पता चलेगा। फिलहाल जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्दी से पहुँचे। तो ये देखिए, उस दिन मैं मार्केट गई थी ना, तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा अपने बालों को भी कटवा दिया था, इसलिए थोड़े बराबर से लग रहे हैं। और अभी साड़ी वाड़ी पहन ली है, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, बस तैयार हो गई हूँ। बस कुछ सामान है, वही सब रखना है, तो सब कुछ रख लेती हूँ। और ये साड़ी तो आप लोग पहचान ही चुके होंगे, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। तो जल्दीबाजी में फॉल तो लग गया, बट इसका ब्लाउज नहीं सिल पाया है। तो गोल्डन कलर का ब्लाउज है मेरे पास, वही मैंने पहन लिया है। इस साड़ी के साथ मैच भी हो रहा है, गोल्डन इसका जो है बॉर्डर है, इसलिए ये मैच करा। और ये देखिए, मैंने लिया था कान वाला, और इसमें है जो मांग टीका भी है, तो इसे भी मैं पहन लेती हूँ। ये भी इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। मैचिंग चूड़ियाँ मेरे पास जो भी थी वो भी मैंने पहन ली है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, और रेडी होने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। ये रहा मांग टीका, कैसा लग रहा है बताना जरूर आप सब। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी मैं जा रही हूँ एक पार्टी में, और कौन सी पार्टी में जा रही हूँ ये अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा, बहुत खुशी की बात है। तो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यही साड़ी मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी ना, इसीलिए मैंने इसमें फॉल लगाया था जल्दीबाजी में। इसका ब्लाउज तो नहीं हो पाया, क्योंकि एक दिन में कोई ब्लाउज सिल ही नहीं रहे थे, तो इस ब्लाउज पर मैंने पहना है। और ये जो दिखाया था वही पहना है। तो अभी यहाँ से पहन के ये टीका नहीं जाऊँगी, इसको खोल दूँगी, बस ये कान वाला ही पहने रखूँगी। वहाँ लेके जाऊँगी, अगर सब पहने होंगे तो पहनूँगी, नहीं तो उतार के रख दूँगी। और पूरा इस तरह से मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये साड़ी का कलर मुझ पर कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंजॉय करिएगा आप लोग आज की वीडियो में। तो चलिए, अभी निकल रही हूँ, बज गया है 11, तो अभी निकल रही हूँ और वहीं जा कर मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए, मैं पहुंच गई हूं उस मैरिज हॉल में जहां पे फंक्शन होना है। तो अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, तो सब आने लगे हैं, धीरे धीरे जमा ही हो जाएंगे। तो सामने देखिए स्टेज बना हुआ है, और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पे। चलिए मैं चलती हूं, आप सबको अंदर ले चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह, अभी थोड़ी ही देर में मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मेरे मायके के सभी लोग आए हैं, सभी लोग। आप लोग पहचानते होंगे, मेरे साथ दोनों बुआ बैठी हुई आप देख सकते हैं, पीछे हमारी बड़ी भाभी हैं, और ये देखिए पीछे एक और मेरी भाभी आ गई, तो और पीछे एक और आ रही है, मतलब तीनों जो हैं यहाँ मेरी भाभियाँ ही हैं। तो सब लोग आए हैं, मतलब मेरे मायके के हर एक सदस्य आए हैं, छोटा से लेके बड़ा बच्चा तक, मतलब किसी अपने का ही ये पार्टी फंक्शन है, तो सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और ये देखिए बच्चे भी चहल पहल कर रहे हैं, यहाँ पे दौरा बना के रखा हुआ है। तो आज होगा रिंग सेरेमनी है किसी का, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये देखिए टीटू है, इसका नाम टीटू है, और मेरे वीडियो में ये पहले भी आ चुका है। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छे से देखते होंगे तो इस बच्चे को भी पहचानते होंगे। तो देखिए स्टेज पे सभी कुछ ला के रख दिया गया है, और सबसे ऊपर यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में है लिट्टी चोखा, और टिक्की चाट है, चाउमीन है, और स्टार्टर है। तो अभी सब नाश्ता कर रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता करके नीचे जा चुके हैं, फिर हम लोग आए हैं। तो देखिए भाभी लोग यहाँ पे लाइन लगाई हुई हैं नाश्ता करने के लिए, और मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। तो पहले दूल्हा दुल्हन का छेंका होगा, उसके बाद रिंग सेरेमनी होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। Thank you.
अभी हम लोग नीचे आ गए नाश्ता करके, और अभी जो है दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है स्टेज पे जाने के लिए, और दोनों का छेका भी पड़ चुका है। हम लोग ऊपर नाश्ता कर रहे थे तब तक छेका हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस जितना मेरे पास क्लिप है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे वीडियो कैमरा वाले जो हैं अपना काम कर रहे हैं, बहुत तरह के पोज दिलवाते हैं ये लोग, और वीडियो के लिए ज़रूरी भी है फ़ोटो वगैरह के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया है। और अभी ये दोनों जाएंगे स्टेज पे, और भीड़ इस टाइम तक काफ़ी हो गई थी, दोनों तरफ से काफ़ी लोग आए थे, लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी। वीडियो बना रहे हैं, कोई फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो ये सब तो होता ही है। अब जिनके भी हाथ में मोबाइल रहता है वो झट से वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, यही करते हैं। तो देखिए मैं अपनी माँ के पास बैठी हुई हूँ और मेरी बहन भी है साथ में, और यहाँ पे मैं हूँ, मेरा बेटा विशाल है, शुभम है, भाभी है, तो हम लोग जो हैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पे विशाल अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, विकास तो आया ही नहीं, उसको छुट्टी नहीं थी, कोचिंग जाना था तो वो नहीं आया, मैं और विशाल ही आए हैं। और अब सब देखिए यहाँ पे डीजे लगा हुआ है, तो डीजे पे सब डांस करने में बिजी हैं। और अभी जो है रिंग सेरेमनी हो गई है, मेरे पास उसकी क्लिप नहीं थी दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो जो थोड़ा बहुत क्लिप मैं बना सकी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और सबसे अंत में अब हम लोग खाना खाने आए हैं, मैं और मेरी बहन जूली है, ये मेरी छोटी बुआ की बेटी। तो अभी सभी लोग खा के जा भी चुके हैं, शाम के लगभग 5:30 हो रहे होंगे तब हम दोनों बहनें आए हैं यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता हम लोग कर चुके थे तो पेट हमारा भरा हुआ था, इसलिए हम लोग सबसे अंत में आए खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यही खाने में था, और ये रही गुनगुन, इससे तो मिल ही चुके हैं पिछले वीडियो में, और ये है मुनमुन, दोनों बहनें। तो सारे मतलब कि मेरे रिश्तेदार जो हैं आए हैं, और ये भाभी सबको पानी पिला रही हैं, तो सब कुछ तो हो ही चुका है, हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत गप सप करने लगे थे, अब चलते हैं नीचे। और ये देखिए जूली के हस्बैंड हैं, आप सबको हाय कर रहे हैं, और ये उनके देवर हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।